नमस्कार दर्शकों, ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News TV। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं नागपुर शहर की आज की खास खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर में दिन दहाड़े युवती से बलात्कार का प्रयास। नागपुर में बलात्कार के आरोपियों को 20 साल की सजा। नागपुर मेरा संसदीय क्षेत्र, अगर मौका मिलता तो कांग्रेस नेता नितिन राउत का बड़ा बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में दिन दहाड़े युवती से बलात्कार का प्रयास। पानी मांगने के बहाने दिन दहाड़े घर में घुसकर अस्मत लूटने का प्रयास किया गया। पीड़ित युवती की सजगता से आरोपी योजना में सफल नहीं हुआ। यशोधरा नगर पुलिस ने इसी गुत्थी को सुलझा कर आरोपी भोला सोमाजी गारे, उम्र 25 साल, ठिवरपुरा मस्कासात को गिरफ्तार किया है। भोला साप्ताहिक बाजार में मछली बेचता है। पीड़ित 19 वर्षीय युवती के माता पिता घर में किराना दुकान चलाते हैं, वह भी माता पिता की मदद करती है। कुछ दिन पहले भोला किराना दुकान में आया था, उस दिन उसकी युवती पर नजर गई थी। 30 मार्च की सुबह युवती के पिता खरीदारी करने के लिए इतवारी गए थे। माँ रिश्तेदार के अस्थि विसर्जन के लिए बिना गई थी। घर में अकेले होने से युवती दुकान संभाल रही थी। सुबह 11:30 बजे के करीब भोला दुकान में आया। उसने युवती को अकेला देखकर माता पिता के बारे में पूछा। दोनों बाहर गए होने का पता चलने पर उसने युवती की अस्मत लूटने की योजना बनाई। दुकान के पिछले हिस्से में हॉल है, उसका दरवाजा पीछे से है। भोला ने वहां से हॉल में प्रवेश किया। उसने युवती को पानी मांगा। युवती पानी लेने के लिए किचन में जाने लगी। किचन की ओर जाते ही भोला ने युवती को पकड़ लिया। वह मुंह दबाकर युवती को बगल के बेडरूम में ले जाने लगा। युवती ने भोला से मुकाबला किया। उसने किसी तरह भोला के चंगुल से उसने खुद को बचा लिया। किचन में गई, उसने किचन का दरवाजा बंद करके पहले ही भोला दरवाजे पर दबाव बनाने लगा। पकड़ ढीली होती ही युवती छत की ओर भाग गई। उसके पीछे भोला भी छत पर आया, लेकिन उसके पहुंचने के पहले युवती ने छत का दरवाजा बंद कर दिया। 2-3 मिनट बिताने के बाद भोला फरार हो गया। उसके जाने की पुष्टि होने के बाद युवती नीचे आई, उसने माँ को आपत्ति बताई। पुलिस ने ली सीसीटीवी की मदद। परिजनों ने यशोधरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामला गंभीर होने से पुलिस तत्काल हरकत में आ गई है। उसने सीसीटीवी से भोला की आवाजाही का पता लगाया। पहचान होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई डीसीपी दिकेतन कदम के मार्गदर्शन में पीआई ज्ञानेश्वर भेदोटकर, एपीआई मोटे मेगा गोखरे, एपीआई राहुल राठौर, हवलदार गणेश गुप्ता, रमेश गेडा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर में बलात्कार के आरोपियों को 20 साल की सजा। बकरियां चराने के लिए जंगल में गई महिला पर बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को मंगलवार को 20 साल समक्ष कारावास व 15,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश SS नागूर ने यह निर्णय सुनाया। यह घटना बेला पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी वर्धा जिले के समुद्रपुर तहसील के ग्राम बिकनी निवासी सुभाष मारुति जुमना के 28 वर्ष व गौरव गजानन आड़े 23 वर्ष है। पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी देने के अपराध के लिए इन आरोपियों को 1 वर्ष समक्ष कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। पीड़ित महिला 28 मई 2022 की सुबह 8 बजे बकरियां चराने गई जसापुर के जंगल में गई थी। आरोपी नाले की झाड़ियों में छिपे थे। पीड़ित महिला को देखकर वे बाहर निकले। वे उस महिला को पकड़कर नाले में ले गए और उस पर बारी बारी बलात्कार किया। वही इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मारने की धमकी भी दी थी। सत्र न्यायालय का निर्णय, 15,000 जुर्माना भी लगाया। हिम्मत देने पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपाधीक्षक पूजा गायकवाड़ ने मामले की जांच कर न्यायालय में मामला दायर किया। न्यायालय में सरकार की ओर से आधी वर्ष साय खेड़कर ने पैरवी की। उन्होंने 14 गवाहों की जांच की। वही अन्य ठोस सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपराजित किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर मेरा संसदीय क्षेत्र, अगर मौका मिलता तो कांग्रेस नेता नितिन राउत का बड़ा दावा।
कांग्रेस नेता नितिन राउत ने नागपुर से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा का खुलासा किया और मौका मिलने पर जीत हासिल करने का भरोसा जताया। कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे का सक्रिय रूप से समर्थन करने और उनके अभियान में भाग लेने के बावजूद राउत की नागपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा अब सामने आई है। बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी के 5 लाख वोटों से जीतने के दावे पर संशय जताते हुए संजय राउत ने इसे महज सपना करार दिया। नागपुर में बोलते हुए राउत ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी मानसिक तैयारी नागपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए की गई थी, क्योंकि यह उनके लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी रामटेक सीट की मांग नहीं की। नितिन राउत ने आरोप लगाया कि नितिन गडकरी के कार्यकाल में नागपुर के कई इलाकों में कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस इस साल अकेले दम पर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। राउत ने दावा किया कि कांग्रेस नागपुर में मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। हम सभी ने नागपुर के उम्मीदवार के रूप में विकास ठाकरे का नाम तय कर दिया है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज की ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsc.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर मेरे साथ यानी शुभांगी के साथ। नमस्कार।